हेलो दोस्तों, तो आज हम निकल चुके हैं एक नए सफर पे और इस समय हम जा रहे हैं द्वारका जी जो गुजरात में है। और हम जाते हुए कवर करेंगे मेजर सिटी जैसे जयपुर, जोधपुर, अलवर, माउंट आबू, रन ऑफ कच्छ और बीच में जो भी शहर पड़ेंगे हम उन्हें सब कवर करेंगे। तो ये ट्रिप हम कवर कर रहे हैं अपनी स्कूटी एंटॉक से और इस ट्रिप में है मैं और पल्लवी। ये ट्रिप लेंथ हमारी लगभग रहेगी 3500 किलोमीटर और इस ट्रिप का ड्यूरेशन रहेगा हमारा 12 से 15 दिन में। तो इस हिसाब से हमारा टारगेट रहेगा कि हमें एक दिन में 300 किलोमीटर या 350 किलोमीटर कवर करना है। अभी हम फटाफट से अपना सामान एडजस्ट करते हैं और निकलते हैं क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, ऑलरेडी 4 बज गए हैं लगभग। तो आज हमें अलवर निकलना है, आज हम अलवर स्टे करेंगे और कल निकलेंगे हम जोधपुर जयपुर। तो भाई आप देख रहे हो हमारी दिल्ली टू द्वारका जो दिल्ली रोड ट्रिप का एक और एपिसोड जिसमें हम लोग अपनी एंटॉक से ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू द्वारका जी, जिसमें हम 4100 किलोमीटर से ज़्यादा स्कूटी चलाएंगे और कवर करेंगे 5 स्टेट्स और 15 मेजर सिटीज़ जैसे अलवर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, माउंट आबू, भुज, कच्छ, जामनगर और पहुँच जाएंगे द्वारका। उसके बाद वापस आते हुए हम जाएंगे पोरबंदर, जूनागढ़, अहमदाबाद, चित्तौड़गढ़ और उसके बाद जयपुर में एक और नाइट स्टे करके पहुंच जाएंगे वापस दिल्ली। और अभी हम पहुंच चुके हैं इस प्यारी सी जगह सोना में जो हरियाणा में है और हमारी ना स्कूटी का इंजेक्टर ढीला हो गया था तो इसकी टंकी का सारा पेट्रोल निकल के गिर चुका है। तो अभी हमारी स्कूटी में कोई पेट्रोल ही नहीं है। भाई के पास आए हैं हम तो उन्होंने सही कर दिया अभी जो भी है, बट यार अब क्या है ना कि वही 200 रुपये तक का पेट्रोल का नुकसान हो गया है और अभी आसपास में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है तो अब देखते क्या होता है। फाइनली स्कूटी अपनी सही हो गई, उसका इंजेक्टर ना ढीला हो गया था, मतलब उसका लॉक निकल गया था तो वो लगवा लिया भैया ने, इससे 100 रुपये लिए, यही पीछे से करवाया था। निकलते हैं यार यहाँ से, वैसे ही देर हो गया है, लगभग आधे घंटे हमारे वेस्ट हो चुके हैं यहाँ पर। तो अलवर पहुँचना है टाइम से और वहाँ पर होटल भी लेना। अभी हम पूरी तरीके से सोना भी नहीं पहुँचे हैं, टाइम बच गया 6, स्कूटी का जो इंजेक्टर है वो जैसे तैसे सही हुआ तो अभी इसमें फ्यूल ख़त्म हो गया है। 1 किलोमीटर पहले ही फ्यूल ख़त्म हो गया था, वो तो एक भैया ने धक्का मार के पेट्रोल पंप तक स्कूटी पहुँचा दी। तो गाइस हम सोना पहुँच चुके हैं, ब्लॉक कर रही है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सोना में, सोना हिल से ही ये सारा अरावली रेंज में आता है और उसके बाद पीछे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है ना भाई बढ़िया सा है और रोड भी काफ़ी सही है। मौसम तो यार कलाकार हो ही रखा है, शाम तो हो ही गई, देर तो हो ही गई, क्या करें, अब जाना तो है ही है। Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already and it's working up my... Hello जी, good morning। तो एक और नया दिन और एक और नई सुबह और अभी हमें अलवर में, कल रात को हम अलवर अराउंड 10 बजे पहुंचे थे तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा थके थे और ऑलरेडी तो ब्लॉग वगैरह करने का टाइम नहीं मिला। अभी सुबह के अराउंड 8 बज रहे हैं, हम लोग उठ गए हैं, मैं मुँह धो के चाय ले आया हूँ तो चाय पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से 9 बजे तक। और पता चला हमें कि बाला किला फोर्ट तो आज बंद है, वहाँ पर रिनोवेशन का कुछ काम चल रहा है तो बाला किला फोर्ट हम नहीं जा पाएंगे। तो हमारा टारगेट है कि हम हनगढ़ फोर्ट जाते हैं, उसके बाद बजारा बाजार और चौरी बाजार है और सिरिस का लेक है और सिरिस का रिजर्व तो नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि आज हमारा टारगेट है हम 1 से 2 बजे तक जयपुर के लिए। जयपुर में हमारा होटल ऑलरेडी बुक है तो हमें वहाँ पर पहुँचना होगा टाइम से। तो चाय पीते हैं और ना निकलते हैं यहाँ से। ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और शेयर भी कीजिए सारे लोगों को ताकि हम एक छोटे क्रिएटर हैं तो हमें एक अच्छा बूस्ट मिल सके। तो यार हम लोग हो चुके हैं तैयार टोटली जाने के लिए, निकलने के लिए। पल्लवी कैसे चल रही ट्रिप? मस्त, एक्साइटिंग? हाँ, टू मच। और कल रात को कैसा रहा सफर? हाँ, मजेदार रहा यार। कल हमारे साथ अभी तो और भी मजेदार होने वाला है। हाँ, आगे कैसे कैसे चीजें मिलेंगी वही, आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। कल तो हमारे साथ वैसे ही सीन हो गया था, स्कूटी हमारी सोना के पास में, उसका इंजेक्टर जो, एक घंटा हमारा वहाँ पे वेस्ट हुआ, हाँ, 8 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। एक घंटा वहाँ वेस्ट हो गया, उसका इंजेक्टर निकल गया था तो फिर उसमें ना लगभग 100 रुपये का खर्चा आया और भाई इंजेक्टर से ही पेट्रोल निकल गया। हाँ यार, 250 का तो पेट्रोल ही वेस्ट हो गया, इंजेक्टर हमने सही कराया तो फिर उसके बाद ना जो बाइक रिपेयर करते उन्होंने बोला कि चले जाएगी पेट्रोल पंप तक, 1 किलोमीटर ही लगभग है। हमने सोचा ठीक है तो वहाँ से हल्का सा तो चलेगी और फिर 100 मीटर पर जाके स्कूटी बंद हो गई। इसका तो भाई अलग ही दिमाग खराब हो रहा था। भाई लग क्या, एक भैया मिल गए थे तो उन्होंने स्कूटी में धक्का मारा, स्पेशली वो पेट्रोल पंप तक हमें धक्का मारने आए थे तो फिर मतलब भाई लग अच्छे लोग मिल गए और हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ से फिर टैंक फुल करा के हम आ गए थे तो अभी सामने ही बिल्कुल पेट्रोल पंप है, यहाँ से निकलते हुए टैंक फुल करा लेंगे कि फिर ना बाद में कोई दिक्कत नहीं हो ऐसी, है ना।
फाइनली हमने रूम से एग्जिट ले लिया और अब हम निकल रहे हैं। अभी यहाँ का ना हमने पेमेंट नहीं किया था, तो हमें यहाँ का पेमेंट भी करना पड़ेगा, वो भी अभी पेंडिंग है। बाकी प्रॉपर्टी काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी ब्यूटीफुल है और रूम भी यहाँ पर ज़्यादा महंगा नहीं था, सिर्फ 500 रुपये का रूम था, मतलब नॉन एसी था ऑब्वियसली, बट ठीक है हमारे लिए तो बढ़िया ही था। तो चलते हैं, चलें? Yes. चलो फिर। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। और ये हैं भैया जो इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं। कल रात को ही जो पहली मुलाकात होती है ना हंसी खुशी वाली, तो वही हुई थी, तो काफ़ी अमेजिंग था। अभी हम जा रहे हैं मोती डूंगरी, फिर उसके बाद सिटी पैलेस जाएंगे और फिर जाएंगे कंपनी बाग में। बिना टाइम वेस्ट करे निकलते हैं यहाँ से और फिर आपको जाके मिलते हैं सीधे मोती बाग में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मोती डूंगरी पैलेस में। एक्चुअल में ये ना पहले भाई साहब धूप तो बहुत है, मैंने सनग्लास लगाए, इसका सनग्लास मिल नहीं रहा है। तो एक्चुअल में ना ये एक टाइम पे एक पैलेस हुआ करता था, फिर उसके बाद में भैया ने बताया कि यहाँ के ना बिल्डिंग्स वगैरह, हाँ तो मतलब इसके ऊपर था, तो फिर हाँ अब पूरा खंडर बन चुका है, अब बिल्डिंग्स वगैरह रही नहीं है, तो थोड़ा बहुत अवशेष वगैरह होगा कुछ बिल्डिंग का, बाकी यहाँ पर ये पार्क वगैरह है। तो ऐसे पैलेस के बाहर वाला जो पार्ट है बहुत सुंदर है। हाँ, पैलेस के बाहर वाला पार्ट काफी सुंदर है और फिर यहाँ पर बाकी बचा खुचा तो बस पार्क वगैरह ही है। यहाँ राजस्थान में भी ना छोटे छोटे पहाड़ से हैं, तो ये काफी बढ़िया बढ़िया सी मतलब वाइब दे रहे हैं, तो मजेदार सा तो है थोड़ा बहुत और काफी सही सा अभी चल रहा है ट्रिप हमारा। ऐसा कुछ दिखता है ये मोती डूंगरी पैलेस, ऊपर से कुछ भी नहीं है, बस घास घास बची है इसमें, हो गया। एक भी ऐसा नहीं दिख रहा ईंट पत्थर जो बिल्डिंग का बचा हो, बट यहाँ पर थी पहले महल था किसी राजा आजा का, ये दीवाले वगैरह अभी भी हैं उस महल की, और फिर बाकी तो पता नहीं क्या ही हुआ, वो इतिहास ही गवाह है जो किसी को पता भी नहीं है। और बाकी यार यहाँ पर ना मतलब ये सच में मतलब कहते हैं ना कि राजा महाराजाओं की जगह थी ये राजस्थान, और सच में थी, क्योंकि यार हर जगह ना कुछ न कुछ है यार, मतलब एक वो जो होती है ना अलग सी वाली वाइब फीलिंग वगैरह, तो वो आती है इस जगह में। निकलते हैं यहाँ से, यहाँ कुछ है नहीं ज़्यादा देखने लायक में, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा है ही नहीं। अभी ना हमारा यहाँ से जाने का प्लान बन ही रहा था, तो इसने खोज खाज के पता लगाया कि भंडारा भी हो रहा है यहाँ पर, तो 10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, तो भंडारा खा के जाते हैं। और अभी ना हमने इस पर ठंडा ठंडा पानी भर लिया है वहाँ से, और यहीं पर है श्री हनुमान जी का मंदिर, तो इसी में भंडारा हो रहा है। फाइनली भंडारे का खाना हमें मिल चुका है,